हाय माय यूट्यूब फैमिली, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड आपके लिए एंजल गाइडेंस। मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है माँ, प्लीज बताइए। प्लीज क्लियर कीजिए महादेव। मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है? चैरियट, वाओ, हर्मिट। माँ दो और कार्ड चाहिए। मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है? दो और कार्ड माँ दे दीजिए। ओके, एक तो दे दिया। मैजिशियन। मैं रिवर्सल नहीं ले रही क्योंकि ये कलेक्टिव है, पर्सनल होती तो शायद मैं ले लेती। यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है? आना नहीं चाह रहे, पता नहीं क्यों। मेरी तो फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है? एक लास्ट कार्ड माँ, माँ लास्ट कार्ड दे दीजिए प्लीज। द स्टार एंड बॉटम बॉटम व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। ओके, तो यहाँ पे बहुत लोगों के पार्टनर्स वापस आ रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी विश है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना। अगर आप लोग साथ में भी है तो अगर उनका नेचर पहले थोड़ा रूड होता था तो अब बहुत बदल गया होगा, और आपको इम्पोर्टेंस भी देंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। वो काफी हद तक सॉलिट्यूड में रहे हैं। चलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ। माँ प्लीज बताइए चैरियट क्यों आया? मैं ना एक मिनट ये यहाँ पे रख देती हूँ और ये यहाँ पे रख देती हूँ। हाँ, चैरियट क्यों आया? किंग ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेलिब्रेशन विथ क्वीन ऑफ वॉन्स। आप एक डिवाइन रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव काफ़ी हद तक आ चुका है और वो आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये एक हाईली डिवाइन रिलेशनशिप है। आप या तो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, डिवाइन रिलेशनशिप में हो, यू आर डीलिंग विथ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। बहुत जल्दी आ सकते हैं। चलिए देखते हैं हर्मिट क्यों आया। माँ बताइए हर्मिट क्यों आया? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट। ओके, हाँ मुझे लगा ही था। सी, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, आपका दिल तोड़ के गए थे, तो अब उन्हें बहुत बर्डन महसूस हो रहा है आपके बिना, क्योंकि आपकी एनर्जी तो जा नहीं रही वहाँ पे, राइट? तो उनको बहुत बर्डन महसूस हो रहा है और वो पेशेंस एंड प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और वो आगे भी आएंगे, बढ़ेंगे, ऑलरेडी बढ़ना स्टार्ट हो गया क्योंकि वो बहुत जल्द आएंगे। चैरिट के बाद हर्मिट आया था और हर्मिट को क्लैरिफाई किया चैरिट ने। आपके पार्टनर बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, बहुत जल्द। मैजिशियन क्यों आया माँ? क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर? उनकी विश है आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना। यस,
अगर वो अगर उन्होंने आपको छोड़ा था ना, अगर उन्होंने आपको छोड़ा था तो अब वो स्ट्रेंथ इकट्ठा करके आपके पास आना चाहते एक न्यू बिगनिंग के लिए, क्योंकि वो आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, वो आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं और वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और वो कमिटमेंट क्यों देना चाहते, क्योंकि ये उनकी विश है और वो होप करते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे और वो बहुत जल्द आपको मैसेज करेंगे, बहुत जल्द। क्लेम कीजिए ये एनर्जीज को। द स्टार क्यों आया प्लीज बताइए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार क्यों आया? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार क्यों आया माँ? द वर्ल्ड, आपके पार्टनर, ओके एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, कोई मेजर रीजन था जो आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था। सो इट्स अ पर्सनल एडवाइस, डोंट हेट योर पार्टनर। कोई अंदर ग्रजेस मत रखना किसी के लिए भी, कभी कोई ग्रजेस मत रखना। अगर अभी तक रखा है तो वो अभी फ्लश आउट कर दो और आगे बढ़ो। डोंट कीप एनी ग्रजेस, बिकॉज कोई पर्सनल रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था। आपने पागलों की तरह उनको चेस भी किया पर कुछ असर नहीं हुआ। उनकी लाइफ का एक कर्मा साइकिल एंड हुआ और वो अब ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते। पहले स्लोली मूव कर रहे थे, अब तेजी से आना चाहते, क्योंकि वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ और वो आपके साथ ट्रेडिशनल वे में शादी करना चाहते हैं। चाहे कैसे भी हो, आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं आपके पार्टनर्स। चलिए अब देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया। अरे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, वाओ ब्यूटिफुल, ओके व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया माँ प्लीज बताइए। ओके अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था, ब्लॉकेजेस आ गए थे, तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट निकाल के, जो भी क्रिएट हुए थे ब्लॉकेजेस, वो ब्लॉकेजेस से बाहर निकल के वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते। और वो क्यों आना चाहते, क्योंकि वो आपसे प्यार करते। अगर चीज़ें बैलेंस नहीं हुई तो वो बैलेंस करेंगे आप दोनों के बीच में। अभी थर्ड पार्टी मेजरली, मुझे अभी यहाँ पे क्या लग रहा है ना, थर्ड पार्टी यहाँ पे उनके फाइनेंसेस थे। मेजरली मुझे लग रहा है फाइनेंसेस की वजह से आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया और बाकी बहुत सारे इधर उधर के रीजंस दे दिए होंगे। बट अब वो बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते, आपसे बेनता प्यार करते, दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और दूसरा यहाँ पे देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया टेम्परेंस ने। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद टेम्परेंस आया, टेम्परेंस भी क्लैरिफाई कर लेते एक बार। टेम्परेंस क्यों आया प्लीज बताए माँ। बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस क्यों आया? और बताए माँ टेम्परेंस क्यों आया? यही मुझे यही चाहिए था। बिकॉज अगर उन्होंने आपको छोड़ा था
तो वो पहले हर्मिट जोन में थे, सॉलिट्यूड में थे, वो सोच रहे थे कि क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया, मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी है, ओके। फिर वो आपको छोटा सा बेबी से इमेच्योर वे में मैसेज करेंगे चेक करने के लिए कि आप अवेलेबल हो या नहीं, कि आप जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि वो एक बड़ा एक्शन, बहुत बड़ा एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं और वो आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है। एंजल गाइडेंस बोलते हैं ना कि डिवाइन रिलेशनशिप, जैसे ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, डिवाइन काउंटर पार्ट। आप लोगों को 11-11 बहुत दिख रहा होगा, आप लोगों को 555 दिख रहा होगा, आप लोगों को 444 दिख रहा होगा। आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसे सिमिलर नंबर्स 14-14, 15-15, 17-17 वो भी दिख रहा होगा। सो दिस इज अ साइन कि आपके पार्टनर्स आपकी लाइफ में वापस आने वाला। ये वाला फाइनल हार्मोनियस यूनियन होगा, ये वाला फाइनल हार्मोनियस यूनियन होगा। चलिए अब हम देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन। इसमें तो वैसे पता चल ही गया नेक्स्ट एक्शन, बट देख लेते हैं। आई होप आप लोग मुस्कुरा रहे हो। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। प्लीज बताइए माँ, मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, मेरे यूट्यूब के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, प्लीज बताइए। आप गिर क्यों रहे हैं? थ्रोट चक्र एंड सैक्रिफाइस, मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेशेंस, स्टैंड योर ग्राउंड एंड मेमोरीज ऑफ लव, सिक्स ऑफ कप्स। क्या मेरे YouTube फैमिली के पार्टनर्स उनकी लाइफ में वापस आएंगे, प्लीज बताएं माँ, क्या वो मैसेज करेंगे। यस 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 यस, थ्री ऑफ कप्स, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, फर्म फाउंडेशन, डिसरप्शन टावर, और ये फाइनेंशियल मटेरियल चैलेंज। एक मिनट, यस वो मैसेज करेंगे जो भी उनके फाइनेंस, मैंने क्या बोला था आपको, आपके पार्टनर्स की लाइफ में फाइनेंस फाइनेंस की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व जैसे तुरंत हो जाएगी ना, बिकॉज वो ये करेंगे। एक मिनट मैं बता देती हूँ, उनका हार्ट चक्र भी खुलने वाला है, उनका फर्म फाउंडेशन, उनका रूट चक्र स्ट्रांग होगा, उनके बेस चक्र स्ट्रांग होगा, वो उस पर काम करेंगे, उसके बाद वो आपको मैसेज करेंगे। सो क्लेम कीजिए, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डिस्टर्प्शन क्यों आया, कहाँ आने वाला है डिस्टर्प्शन? ओके, डिस्टर्प्शन टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में यहाँ पे आने वाला, जहाँ पे शैडो है ना, जहाँ पे डेविल एनर्जी है वहाँ पे आएगा, और उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होगी जहाँ पे उनका हार्ट चक्र खुलेगा और फिर वो बैलेंस में आएंगे, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। सो क्लेम कीजिए ये एनर्जीज को, मैं आपको बता देती हूँ। आपके पार्टनर स्टैंड तो लेंगे आपके लिए, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है एटलीस्ट 6 दिन 6 घंटे, मैक्सिमम 8 दिन,
मैक्सिमम 8 दिन के अंदर आपके पार्टनर्स का मैसेज आपको आ जाना चाहिए। उसके बीच में आया तो प्लीज ये वीडियो के कमेंट जोन में डेफिनेटली लिखिएगा। चलिए आपके लिए थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं। मैं एंजल गाइडेंस भी देखूंगी, पहले मैं कृष्णा के डेक से, कृष्णा जी के डेक से मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस। माँ प्लीज बताइए मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है उनके रिलेशनशिप के लिए, मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है उनके रिलेशनशिप के लिए प्लीज बताइए। क्या हो रहा है? स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आईज एंड काम योर माइंड, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस। आपको ये कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए, आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सिलेक्शन, व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। आपको ये कहा जा रहा है अगर आपके पास ऑप्शंस है लाइफ में तो आप सोच समझ के चूज कीजिए, कहाँ कैसे बिहेव करना है, किसको चूज करना है, किसके साथ जीवन बिताना है, वो सब आप ध्यान से सोच के देखिए, बिकॉज ये फ्यूचर का सवाल होता है ना इसके लिए। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज होप, बी प्रिपेयर्ड। और क्या गाइडेंस है मेरे YouTube फैमिली के लिए? इतना ही था। नहीं सोच रही थी इतना कम कैसे हो सकता है। बी ओपन, God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive. आप लोगों को receiving mode पे रहना है, आप लोगों को बहुत जल्द blessings मिलने वाली है, आपके partners आने वाले, खुशखबरी आने वाली है, या तो आपके work life में, या तो आपकी personal life में, family life में, बहुत सारा। The end. Everything has to end someday. Be prepared. Preparations will bring desired results. आपको ये बोला जा रहा है कि अगर कुछ खत्म हुआ है तो आप उदास मत रहिए, आप न्यू बिगनिंग के लिए preparations कीजिए, बिकॉज इस दुनिया में जो भी आया है वो एंड तो होने वाला है, और एंड नहीं होगा तो न्यू बिगनिंग कहाँ से होगी ना। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए। मेरी YouTube फैमिली के लिए एंजल गाइडेंस क्या है माँ प्लीज बताइए। आप लोगों की कांच आज क्यों गिर रहे इतने? हर हर महादेव। एंजल गाइडेंस फॉर माय YouTube फैमिली प्लीज बताइए। माँ प्लीज बताइए एंजल गाइडेंस क्या है मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। इतने सारे माँ प्लीज 3 कार्ड दे दीजिए माँ एंजल गाइडेंस मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। पहला आ गया आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको ये बोला जा रहा है कि आप लोगों से हेल्प लीजिए तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, खुद ही अंदर मत कीजिए कुछ भी काम। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपकी लव लाइफ, आपकी वर्क लाइफ, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप लोगों को लाइट एंड रेनबोज बहुत दिख रहा होगा। और दूसरा, तीसरा, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है तो प्लीज़ आप फाइंड आउट कीजिए क्या हो रहा है आपकी पार्टनर की लाइफ में, देर इज़ समथिंग मिसिंग जो आपको जानने की ज़रूरत है। एंड अभी अगर कुछ ख़त्म हुआ है तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, बिकॉज देर इज़ समथिंग बेटर। एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। लास्ट कार्ड माँ,
लोगों की हेल्प कीजिए, आपके कर्मास अच्छे होंगे, एंड देन इट्स अ बिग यस, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ में रोमांस होगा, एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ आपकी हैप्पी फैमिली होगी, बच्चों के साथ हर एक चीज जो आपने सपने देखे हैं ना, वो अभी फिलहाल के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वर्क ऑन योर फाइनेंसेस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. आई विल ऑफ कोर्स प्रे फॉर ईच वन ऑफ यू ऑल कि आप लोगों को आपका प्यार मिल जाए. हर हर महादेव. जय श्री महाकाल.